से लाए, वेद पुराणों से लाए, से करने जन कल्याण। खोज खोज पूरा पढ़ डाला, रामचरित से हमने निकाला। आचार्य राज मिश्रा देंगे हर मुश्किल का समाधान। जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है मानस ज्योतिष ज्ञान। मैं हूं प्रियंका। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती। ये बात 100% सत्य है, क्योंकि अगर अपनी मंजिल को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। मंजिल आपके सामने स्वयं चलकर नहीं आएगी। ठीक उसी तरह से अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जो उपाय आपको बताए जाते हैं उन्हें प्रयोग में लाना पड़ेगा, तभी आपके जीवन से समस्याएं दूर होंगी। घर बैठे बैठे ना ही समस्या समाप्त होगी, ना ही आपके जीवन में सुख की शुरुआत होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी समस्याएं आपके जीवन से दूर चली जाए और आपके जीवन में सुख की शुरुआत हो। तो आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए, आपको बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य श्री रामचरण अनुरागी आचार्य राज मिश्रा जी। तो चलिए आचार्य जी का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम नीलांभुज श्यामलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम को देखने वाले और सुनने वाले आप सभी दर्शकों पर उनका शुभ आशीर्वाद बना रहे, ताकि आप सभी का जीवन समस्त प्रकार की सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। चलिए तो आप हमारे कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। इस वक्त जब स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है, नंबरों के माध्यम से सीधे कार्यक्रम से जुड़िए, कुंडली का विश्लेषण करवाइए। आपकी जो भी समस्या है, हर समस्या का बेहतर समाधान आपको आचार्य जी के माध्यम से प्राप्त होगा। अगर आप आचार्य जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट वाले नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लगातार ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सिद्ध किए हुए रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्ध किए और रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप संस्थान के माध्यम से इसे बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस तमाम चीजों की जानकारी आप आसानी से संस्थान वाले नंबरों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सारी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। आज हम श्री रामचरितमानस और हस्तरेखा के बीच में किस तरह का संबंध होता है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके भी मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप उन सवालों का जवाब भी कार्यक्रम से जुड़कर बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे ज्योतिष और श्री रामचरितमानस के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में आपने हमें बेहतर जानकारी दी। आज मैं जानना चाहूंगी कि हस्तरेखा और श्री रामचरितमानस को किस तरह से जोड़कर देखा जा सकता है। जी, अगर हम ये सब भविष्य को जानने की एक तरीका है, एक भविष्य को, एक ज्योतिष का ही अलग अलग शाखाएं हैं, चाहे हम हस्तरेखा की बात करें या हम ज्योतिष की बात करें, किसी भी प्रकार की। अगर हमें हस्तरेखा को श्री रामचरितमानस में देखना है कि क्या हस्तरेखा को लेकर के श्री रामचरितमानस में कहीं वर्णन इत्यादि है, तो हमें श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 66 और 67 पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर बहुत सुंदर शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब माता पार्वती की शादी होनी होती है तो माता पार्वती के पिता महामुनि नारद के पास ला करके अपनी पुत्री को दिखाते हैं। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 66 में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नारद जी से, कृतकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गत सर्वत्र तुम्हारे और कहा हूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। मैं क्षमा चाहूंगा, माता पार्वती के पिता ला करके महामुनि नारद को पार्वती जी की हस्तरेखाओं को दिखाते हैं और उनको उनसे इस प्रकार का प्रश्न करते हैं कि इसके जीवन में क्या लिखा है, इसके गुण क्या है, इसके अवगुण क्या है, इसके दोष क्या है, मुनिवर इसको आप विचार करके बताइए। वहां पर महामुनि नारद कहते हैं कि इसके भविष्य में लिखा क्या है, इसके लिखा कि इसकी शादी, क्योंकि शादी का उस टाइम पर समय था, शादी के लिए उस टाइम पर चिंताएं थी माता पार्वती के पिता को, शादी के विषय में प्रश्न करते हैं तो वहां पर महामुनि नारद उनको जवाब देते हैं कि जोगी जटिल अकाम मन
नगन अमंगल भेष और अस स्वामी यही का मिले परी हस्त असरेख। सबसे पहले यहाँ दो तीन चीजें हैं। एक तो सबसे पहले ज्योतिष में सब कुछ क्लियर होता है, जिस प्रकार दो दो जोड़ करके पांच नहीं हो सकता, चार ही हो सकता है, उसी प्रकार ज्योतिष में यदि कोई ग्रह अपना प्रभाव देने वाला है तो वो प्रभाव देगा, उसमें होगा नहीं होगा, हो सकता है, होने की संभावना है, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। एक मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि बहुत सारे लोग ज्योतिष में कहते हैं मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है, या अगर मैं ज्योतिष की नई नई चीज़ों पर देखूं या ज्योतिष की नई नई पुस्तकों पर देखूं तो एक पुस्तक कुछ और कहती है और दूसरी पुस्तक कुछ और कहती, इसकी बिल्कुल संभावना नहीं होती है। अगर हम पुरातन ज्योतिष को उठा करके देखें, ज्योतिष सभी ने लिखा है, रावण ने खुद ज्योतिष लिखा है, हनुमान जी का ज्योतिष है, नारद जी ने ज्योतिष लिखा है, ऋषि पराशर ने ज्योतिष लिखा है, जैमिनी, सभी ऋषियों ने अपनी भविष्य को लेकर के सब लोग कुछ ना कुछ अपना व्याख्यान उन्होंने दिया है। और अगर सभी के शास्त्रों को देखा जाए, मैं कुछ दिन पहले नारद पुराण का अध्ययन कर रहा था तो मैंने जब नारद पुराण में जाकर के ज्योतिष के उसको देखा तो वहां पर वही उन्होंने भी वर्णन किया है जो ऋषि पराशर ने वर्णन किया है। यानी सभी जगह पुरातन ज्योतिष में एक चीज लिखी हुई है, लेकिन आज के समय में क्या हुआ है, प्रति व्यक्ति ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जोड़ना प्रारंभ कर दिया है। तो जब अपनी तरफ से जोड़ना प्रारंभ किया है तो वहां पर ज्योतिष में बहुत सारी गड़बड़ियां उत्पन्न हो गई हैं, दुविधाएं उत्पन्न हुई हैं। तो जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारद जी क्या कहते हैं कि जोगी जटिल अकाम मन, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं, उन्होंने कहा मिलेगा कैसा, इसको कैसा पति मिलेगा, इसकी हस्तरेखा में पूर्णतः यह वर्णन है कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष और अस स्वामी यही का मिले परी हस्त असरेख। तो वहां पर यदि हम उठा करके श्री रामचरितमानस बालकांड का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें हस्तरेखा के विषय में प्रत्येक चीजें वहां पर प्राप्त होती हैं। और उसके साथ यदि हमारी हस्तरेखा में किसी प्रकार से दिक्कतें हैं या हमारे ग्रहों में किसी प्रकार की दिक्कतें हैं, हमारा कोई ग्रह हमारे प्रतिकूल है, यदि उनको हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं तो भी हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से पूरी तरह से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। गोस्वामी नारद जी का क्या वर्णन था, जिस प्रकार उन्होंने एक पति की संभावना माता पार्वती जी की कुंडली में दिखाया था, उन्होंने कहा कि ये सारे गुण अगर देखा जाए तो भगवान शंकर में विद्यमान है, भगवान शंकर के अंदर कोई कामना नहीं है। उन्होंने कहा अकाम मन, जिसके अंदर सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उस चीज में लिप्त होने की कामना ना हो, वो व्यक्ति है अकाम मन, उसके अंदर कोई कामना नहीं है। और वाक्य में माता पार्वती को वो सब कुछ वहां पर प्राप्त हुआ, भगवान शंकर के अंदर वो सारे गुण थे जिनकी शादी माता पार्वती से हुई। तो यदि हम देखें ज्योतिष में सब कुछ सच्चाई के साथ वर्णन होता है, सबसे पहले आवश्यक है उसका विधिवत निरीक्षण करने का। और अगर हम हस्तरेखा को लेकर के देखें श्री रामचरितमानस में कहां वर्णन है, तो मैंने आपको बताया कि दोहा नंबर 66 और 67 का सही तरीके से अध्ययन किया जाए तो हमें पता चलता है कि हस्तरेखा को लेकर के श्री रामचरितमानस में विस्तृत वर्णन है। यानी ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम हस्तरेखा के माध्यम से भी श्री रामचरितमानस में जो उपाय होते हैं, जो चौपाएं होते हैं, उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो श्री रामचरितमानस हस्तरेखा का बीच में बहुत गहरा संबंध है और दोनों चीजों को एक साथ जोड़कर हम आसानी से देख सकते हैं। देखिए, चाहे आप हस्तरेखा की बात करें या आप ज्योतिष की बात करें, दोनों चीज आधारित किस पर है, ग्रहों पर आधारित है। हस्तरेखा में हम नौ ग्रहों का निरीक्षण करते हैं, नौ ग्रहों को देखते हैं, उसी प्रकार आप जन्म कुंडली के अंतर्गत भी नौ ग्रहों का निरीक्षण करते हैं। मैंने शायद आप लोगों को पहले कार्यक्रम में बताया था कि नौ ग्रह कौन है, नौ ग्रह हैं भगवान विष्णु, मैंने पहले भी कार्यक्रम में इस चीज को लेकर के चर्चा किया है। और श्री रामचरितमानस कलिकाल का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर की सभी वेदों का सार छिपा हुआ है। श्री रामचरितमानस में जब अंतिम पर जाकर के आप आरती का अध्ययन करेंगे तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी कि गावत वेद, सभी वेद 18 पुराण, सभी प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनका रस उसके अंदर छिपा हुआ है। उसके साथ साथ श्री रामचरितमानस, अगर हमारे ग्रह खराब होते हैं तो हम किसकी आराधना करते हैं, अगर आपका सूर्य खराब है तो किसकी आराधना करने का आपको बताया जाता है, आप सूर्य को जल दीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, भगवान राम की आराधना कीजिए, जिससे आपका सूर्य ठीक होगा। आज व्यक्ति परेशान है शनि से,
आज व्यक्ति परेशान है राहु से, आज व्यक्ति परेशान है केतु से। मैंने शायद पहले कार्यक्रम में भी डिस्कस किया था और सभी लोग शायद जानते भी हैं कि शनि के गुरु हैं भगवान शंकर। अगर राहु या केतु खराब है तो व्यक्ति को क्या राय दी जाती है कि आप भगवान शंकर की आराधना करें। अगर बुध खराब है, बृहस्पति खराब है तो क्या राय दिया जाता है कि भगवान विष्णु की जाकर के आराधना कीजिए। यदि शुक्र खराब है तो कहा जाता है कि माता दुर्गा की आराधना कीजिए। आप खुद देखेंगे श्री रामचरितमानस भगवान शंकर सुनाते हैं माता पार्वती को, यानी श्री रामचरित और भगवान शंकर के लिए श्री रामचरितमानस से प्रिय कोई दूसरी चीज नहीं है। तो अगर हम श्री रामचरितमानस की आराधना करते हैं तो कौन प्रसन्न होता है? भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यानी राहु केतु और शनि से जुड़ी समस्याएं हैं वो हमें भगवान शंकर की आराधना करने से प्राप्त होती हैं, हमारी समस्याएं दूर होती हैं। तो यदि हम श्री रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो ये तीनों ग्रह हमारे अनुकूल हो जाएंगे। अब हम परेशान हैं मंगल से, मंगल खराब हो किसकी आराधना करने के लिए कहा जाता है? भगवान हनुमान जी की। श्री रामचरितमानस हनुमान जी को कितना प्रिय है आप सभी लोग जानते हैं, यानी श्री रामचरितमानस के अध्ययन से मंगल की जो अनुकूलता है वो दूर हो जाती है, वो बन जाएगी, अनुकूलता बन जाएगी, जो प्रतिकूलता है वो दूर हो जाएगी। उसके साथ अगर बृहस्पति खराब है किसकी आराधना करते हैं? विष्णु, भगवान विष्णु की। बुध खराब है तो किसकी आराधना करते हैं? भगवान विष्णु की, या कई बार भगवान गणेश जी की आराधना करने की। तो अगर वहां पर देखा जाए भगवान विष्णु कौन है? श्री राम, भगवान श्री राम है। उसके साथ यदि हम बात करते हैं कि हमारा शुक्र खराब है जिसको हम स्त्री प्रकृति का ग्रह कहते हैं, चंद्रमा खराब है तो भगवान शंकर की आराधना करते ही हैं, शुक्र खराब है तो हम कहते हैं कि आप जाकर के दुर्गा जी की आराधना करो। आपको याद होगा श्री रामचरितमानस में जब रावण कुंभकर्ण को जगाने जाता है तब कुंभकर्ण कहता है कि हरि आने से जगदम्बा, रावण से कहता है कि दुष्ट मुझे अब जगाने आया है, हरि आने से जगदम्बा अब सठ चाहत कल्याण, तू जगत जननी माता जगदम्बा को हरण करके लाया है उसके बाद तू मुझसे कल्याण चाहता या मुझे जगाने आया है। तो अगर हम श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो चाहे हमारी सबसे पहले तो हस्तरेखा है जन्म कुंडली दोनों के अंदर ग्रहों का, नौ ग्रहों का ही प्रभाव है, और श्री रामचरितमानस के अध्ययन से नौ ग्रहों की सारी समस्या को दूर किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो हम श्री रामचरितमानस का अध्ययन करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए ये कहा जा सकता है कि हस्तरेखा के माध्यम से भी आप श्री रामचरितमानस को जोड़कर देख सकते हैं, चौपाइयों का पाठ करते हुए अपने जीवन को बेहतर और सुखमय बना सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ आचार्य जी कॉलर जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। जय श्री राम, नाम बताएं। चिराग बोल रहा हूं। कहां से कॉल कर रहे हैं? करनाल से बात कर रहा हूं। अपनी बात रखिए आचार्य जी के सामने। हेलो, नमस्कार पंडित जी। जय श्री राम भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया सर जी, बताइए। मेरा ना जन्म तिथि है 19 अगस्त 1998। टाइम बताइए प्लीज। टाइम सुबह के चार बज के बीस मिनट। कहाँ पे जन्म हुआ है आपका? करनाल में। करनाल हरियाणा में है ना? हाँ जी सर। क्या जानना चाहते हैं? मेरा स्टडी में मन नहीं लगता। पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है। जैसा कि आपका जन्म हुआ है कर्क लग्न में और लग्न के स्वामी चंद्रमा जन्म कुंडली के द्वादश भाव में जाकर के विराजमान है, एक बात बताइए, किसी प्रकार के डरावने स्वप्न इत्यादि तो आपको नहीं आते हैं? नहीं, डरावने स्वप्न तो नहीं आते ना? नहीं पड़ी। जन्म कुंडली में द्वादश भाव में चंद्रमा का होना मन के अंदर अनावश्यक डर उत्पन्न करके रखता है, तो सबसे पहले तो अपने मन में नेगेटिविटी नहीं आने दीजिए, हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचिए। और पंचम भाव का स्वामी मंगल जन्म कुंडली के लग्न में जाकर के नीचस्थ है। पंचम भाव हमारी पढ़ाई को लेकर के होता है। उसके साथ बुध और बृहस्पति दो ऐसे ग्रह हैं जो हमारी पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके जन्म लग्न के जन्म लग्न में पंचमेश का नीच का होना आपकी पढ़ाई में दिक्कतों को लेकर के उत्पन्न करता है। अगर आप श्री रामचरितमानस के बाल कांड का दोहा नंबर 17 है, प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर, इस दोहे का श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से पाठ करेंगे तो आपकी पढ़ाई के अंदर जो दिक्कतें चल रही हैं वो दिक्कतें निश्चित रूप से आपकी दूर हो जाएंगी। यदि इस दोहे का आप श्रद्धा पूर्वक पाठ नहीं कर पाते हैं
तो आप संस्थान में फोन करके एक श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगा करके गले में धारण कर लीजिएगा, इससे आपके पढ़ाई में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अगर ये नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से मंगल का नीचस्थ होना और बुध का आपकी कुंडली में अस्त होना आपके पढ़ाई में आने वाली दिक्कतों को सूचित करता है। एक बात और बता दूं आपको कि आपका पंचमेश मंगल है और आपके कुंडली का दशमेश मंगल है, जो आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं अगर इससे संबंधित कोर्स करेंगे, इससे संबंधित आगे जाकर के पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, जीवन में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने जो सलाह दी है उस पर विचार कीजिए, जो उपाय बताए हैं उनको प्रयोग में लाइए, इससे आपकी परेशानी दूर हो सकती है और आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। व्यक्तिगत तौर पर अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट वाले नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संस्थान के नंबरों के द्वारा इसे बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सारी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। आचार्य जी, हस्तरेखा को लेकर चर्चा चल रही है, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के हाथों में अगर बहुत ज्यादा रेखाएं हैं तो कहीं ना कहीं उसका जीवन अंधकारमय हो सकता है, यानी कि असफलताओं से भरा होगा, और जिसके हाथ की जो रेखाएं बहुत साफ सुथरी और सटीक हैं वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, सबसे पहले बहुत सारी रेखाएं अगर हैं तो वो रेखाएं किस प्रकार की हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है। जैसा कि कोई भी रेखा, आपने बिल्कुल सही कहा है, कोई भी रेखा सुस्पष्ट होना मतलब वो रेखा बिल्कुल सही है। बहुत मोटी रेखा हमारे लिए नुकसानदेह होती है, बहुत पतली रेखा भी हमारे लिए नुकसानदेह होती है, बहुत चौड़ी रेखा भी हमारे लिए नुकसानदेह होती है। अगर आपकी रेखा बिल्कुल सीधी है, अस्पष्ट है और लाल रंग की है तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभ देने वाली होगी। यदि आपकी रेखा बहुत काली है या पीले रंग की है, काली रेखाएं जनरली हमारी खराब मानसिकता को लेकर के सूचना देती हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह। इसी प्रकार यदि आपकी हस्तरेखा में बहुत सारी रेखाएं हैं, अब बहुत सारी रेखाएं हैं किस प्रकार की, अगर बहुत कम भी है, मान ले आपकी हस्तरेखा में तीन ही रेखाएं हैं कि आपकी भाग्य रेखा बनी, आपकी मस्तिष्क रेखा बनी है, आपकी जीवन रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी हृदय रेखा बनी है, यही तीन रेखाएं हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब बहुत रेखाएं यदि मान लिया भाग्य रेखा निकल गई है, सूर्य रेखा निकल गई है, बुध रेखा निकल गई है, या यहां पर बहुत सारी यात्रा की रेखाएं हैं, तो ये आपके लिए लाभप्रद हैं। लेकिन हां, यदि रेखाएं मंगल की तरफ से कुछ खराब रेखाएं जो शनि की तरफ से निकल करके आपके जीवन रेखा को काट रही हैं, या जाल जैसे चिन्ह बन गया है आपकी रेखाओं में, या आपकी रेखाओं पर नक्षत्र जैसा चिन्ह बन गया है, या क्रॉस जैसा चिन्ह आपकी रेखाओं में बन गया है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। बहुत कम रेखा होना भी आपके लिए नुकसानदेह है और बहुत ज्यादा रेखा होना भी आपके लिए नुकसानदेह है। महत्वपूर्ण इस चीज को कभी भी ये हमारे दिमाग में यह नजरिया नहीं तैयार होना चाहिए कि बहुत ज्यादा रेखाएं नुकसान दे रही हैं या बहुत कम रेखाएं नुकसान दे रही हैं। आवश्यक है कि वो ज्यादा रेखाएं हमारे लिए अच्छी वाली हैं या ज्यादा रेखाएं हमारे लिए खराब वाली हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है। अब मान ले ज्यादा रेखाओं की हम बात करते हैं, भाई मस्तिष्क रेखा दो बन गई तो हमारे नुकसान दे तो है नहीं, दोहरी मस्तिष्क रेखा हमारी मस्तिष्क की शक्ति को प्रदान करती है, हमारी मस्तिष्क की शक्ति को दिखा देती है। या हमारे जीवन रेखा के साथ दो रेखाएं, एक जीवन रेखा के साथ कई बार मंगल रेखा निकला करती है, जीवन रेखा के साथ मंगल रेखा बनी है तो हमारे जीवन में आने वाली दिक्कतों को दूर करती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास को उत्पन्न करती है, तो ये तो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं हुई। तो इस कारण से महत्वपूर्ण है ये देखना कि जो रेखाएं बनी हुई हैं वो रेखा आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं या वो रेखाएं बुरी बनी हुई। अगर रेखाएं खराब बनी हुई हैं तो निश्चित रूप से आपको परेशान करेंगी, अगर रेखाएं अच्छी बनी हुई हैं तो ज्यादा रेखाएं भी हमारे लिए नुकसान देने वाली नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि कुछ चीजों की क्लियरिटी हो गया चाहिए जी, कि ये भ्रम था कि बहुत ज्यादा रेखाएं भी असफलताओं का सूचक होता है, लेकिन ये जानना जरूरी हो जाता है कि अगर बहुत ज्यादा रेखाएं भी हैं तो सबसे पहले उन रेखाओं का विश्लेषण समझिए कि कौन सी रेखा किस ग्रह को प्रभावित कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा रेखाएं आपके भाग्य को प्रभावित करें और आपको बेहतर फल दें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी चीज की थोड़ी जानकारी नुकसान देती है, हमेशा जब तक किसी भी चीज के बारे में विस्तृत जानकारी मुझे नहीं होगी तब तक मेरे लिए नुकसानदेह होगी। तो चाहे वो ज्यादा रेखा है चाहे कम रेखा है, अच्छे अध्ययन के बाद ही पता चल सकता है कि वो आपके लिए अच्छी चीजें दे रही हैं, आपको बुरा प्रभाव दे रही हैं। आचार्य जी, जानना चाहूंगी कि अगर भाग्य रेखा की बात की जाए, भाग्य रेखा में कट का निशान अगर आ जाए, कहीं से बीच से रेखा कट जाए, तो ये किस बात का संकेत देती है? देखिए, भाग्य रेखा में कट का निशान किस प्रकार, दो चीजें होती हैं।
अगर मान लिया जाता है, पहले तो भाग्य रेखा में कट का निशान, भाई अगर भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है या यहाँ से निकलती है तो हृदय रेखा या जीवन रेखा से कट तो उसका होगा ही होगा, वो तो एक सिंपल सा निशान है, वो नुकसानदेह नहीं है। दूसरी चीज, आपकी भाग्य रेखा मान लिया मणिबंध की तरफ से यहाँ से निकलती है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे अपनी रेखाओं को भी आप देख सकते हैं, मणिबंध की तरफ से निकली है और चंद्रमा की तरफ से आकर के कोई रेखा, चंद्र पर्वत से आकर के कोई रेखा भाग्य रेखा को स्पर्श करती है, तो ये तो भाग्य उदय की परिस्थितियों को लेकर के सूचना देती है। अगर ऐसा निशान है तो, अगर स्त्री है तो उसका किसी बहुत धनी परिवार के अंदर शादी होती है जिसके बाद उस स्त्री का भाग्य उदय होता है, या किसी धनवान पुरुष के कारण उस स्त्री का भाग्य उदय होता है, ये परिस्थितियां होती हैं। अगर पुरुष है तो भी उसका किसी अच्छी स्त्री से धनवान स्त्री के घर में शादी होता है जिसके बाद भाग्य उदय होता है। लेकिन यदि यही रेखा जा करके उसकी भाग्य रेखा को काट दे तो निश्चित रूप से उसका स्त्री के कारण धन की हानि होती है। कहां पर वो भाग्य रेखा काट रही है, कहां पर भाग्य रेखा, कौन सी रेखा काट रही है, तो उस टाइम पर निश्चित रूप से उस जातक के सम्मान को नुकसान पहुंचाने वाली होती है, यानी भाग्यों में अवरोध उत्पन्न करने वाली होती है। अगर ऐसी परिस्थितियां भाग्य रेखा में उत्पन्न हो रही है तो श्री रामचरित मानस की कौन सी ऐसी चौपाई है जिससे जो पर्वत है यानी भाग्य रेखा है उसे उदित बनाया जा सकता है? अगर ऐसी परिस्थितियां हैं, इस चीज को काट रही हैं कि भाग्य रेखा को आपको कोई रेखा काट रही है, और अगर हमें यहां पर जाकर के श्री रामचरितमानस का सहारा लेना है तो क्या करना चाहिए? श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। श्री रामचरितमानस में महाराजा दशरथ विश्वामित्र जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सारी संपदा आपकी है, आप हम पर आशीर्वाद देते रहे। इस चौपाई का यदि श्रद्धापूर्वक पाठ करते हैं और भगवान राम के सामने बैठ करके पाठ करते हैं श्रद्धापूर्वक, तो क्या है कि जब भी भाग्य रेखा को अगर काट रही, कोई ना कोई आपकी गलती, भाग्य रेखा आपके हाथ में बनी है, कोई और रेखा काट रही है, इसका मतलब है कि आपकी गलती से ही आपके भाग्य में प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपका मस्तिष्क एकाग्रचित तो होगा, आपके अंदर अच्छे और बुरे का विचार आता रहेगा कि अच्छा क्या है मेरे लिए, बुरा क्या है, तो वो रेखा आपको नुकसान पहुंचा नहीं पाएगी। तो इस चौपाई का यदि नियमित रूप से आप पाठ करते रहेंगे तो वो समस्या आने से पहले आपके मन में उस समस्या को लेकर के जो एक रूपरेखा है वो तैयार हो जाएगी। तो नुकसान जरूर होगा लेकिन बहुत छोटे, जो बहुत बड़ा होने वाला था वो छोटे रूप में होकर खत्म हो जाएगा, आपको जीवन में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने जो उपाय बताया आप उसे प्रयोग में लाए, इससे आपके विवाह में जो दिक्कत दिखाई दे रही है वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी और आपका आने वाला जो समय होगा वो आपके फेवर में होगा, बेहतर हो सकता है। उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, उपायों के माध्यम से परिस्थितियों को बेहतर बनाना होगा। व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मिलना चाहते हैं आचार्य जी से तो अपॉइंटमेंट वाले नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, लगातार ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप संस्थान के माध्यम से इसे बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हस्तरेखा को लेकर चर्चा चल रही है आचार्य जी, अगर हम जीवन रेखा की बात करें, जीवन रेखा में कोई दिक्कत दिखाई दे रही है तो वो दिक्कत क्यों होती है और अगर है दिक्कत तो कैसे दूर करें? जी, जीवन रेखा और जन्म कुंडली का लग्न हमारे शरीर की प्राण शक्ति को लेकर दर्शाता है। शरीर मोटा होना लंबा होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, शरीर के अंदर प्राण शक्ति कितनी है वो महत्वपूर्ण है। यदि शरीर के अंदर प्राण शक्ति है तो आपने बहुत अच्छे फिट लोगों को भी रोगग्रस्त होते हुए देखा होगा, कारण है कि उनकी जो शारीरिक प्राण शक्ति उसमें कमी है। यदि जन्म कुंडली का लग्नेश 6-8-12 भाव में बैठा होता है, अस्त होता है, नीच का होता है, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति है उसकी कमी पाई जाती। उसी प्रकार जो हमारी ये जीवन रेखा है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये हमारी जीवन रेखा है, यदि हमारी जीवन रेखा अधिक चौड़ी है या जीवन रेखा श्रृंखलाकार है, श्रृंखला जैसी बनी हुई है, और यदि जीवन रेखा या बहुत ही पतली है या जीवन रेखा बहुत गहरी है, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है हमारी वो कम है, यानी हमें थोड़ा सा भी खराब मौसम हमारे स्वास्थ्य पर अपना बुरा प्रभाव डाल जाएगा, हमें स्वास्थ्य में बार बार दिक्कतें आती रहेंगी। खैर, आने वाले कार्यक्रम में हम विस्तृत रूप से इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हमारी जो हमारी प्राण शक्ति की रेखा है, जो हमारी जीवन रेखा है, उस
उसकी परिस्थितियां बहुत चौड़ी, बहुत ज्यादा मोटी या अभद्र प्रकृति से या टेढ़ी मेढ़ी करके बनी होती हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव करती हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है यहां पर प्रियंका जी, जैसा कि यदि जीवन रेखा से हमारे पतली पतली रेखाएं इस तरफ निकलें, शुक्र पर्वत की तरफ निकलें, तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य को खराब करने वाली होती हैं। लेकिन वही रेखाएं यदि ऊपर की तरफ निकलती हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव देने वाली होती हैं। यदि जीवन रेखा खराब हो, कि मैं जानता हूं आपका अगला प्रश्न होगा कि कौन सी चौपाई का पाठ किया जाए, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, यदि जीवन रेखा हमारी खराब हो, इस पर परिस्थितियां खराब हो, तो हमें भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं भगवान शंकर इस संसार के संहार करता है। श्री रामचरितमानस की प्रचलित चौपाई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जह जपत पुरारी। इस चौपाई का श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से हमारी जीवन रेखा को प्राण शक्ति मिलती है और हम जीवन में अच्छी तरह आगे बढ़ पाते हैं। यदि नहीं कर पाते हैं इस चौपाई को और स्वास्थ्य सदैव परेशान करने वाला रहता है, तो संस्थान से फोन करके श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मांग करके धारण करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चलिए, तो आचार्य जी आज हस्तरेखा को बहुत विस्तृत तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास करें कि कैसे आप श्री रामचरित मानस के माध्यम से भी हस्तरेखा को देख सकते हैं, ग्रहों को समझ सकते हैं, जीवन को समझते हुए अपने जीवन को गति दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। आचार्य जी, आज हस्तरेखा को लेकर हमने बहुत सारी चर्चा की, बातचीत की, लेकिन मैं चाहूंगी कि दर्शकों के लिए अगर कोई विशेष उपाय आपके पास है, विशेष चौपाई है जिसका वो पाठ करे तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाए और जीवन को गति मिले, क्या है? जैसा कि मैं अभी आने वाले कार्यक्रम में, अगर आज के हम विशेष उपाय की बात करें तो आज आपको भगवान हनुमान जी की आराधना करनी है। भगवान हनुमान जी के सामने बैठ करके आपको एक बार हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करना है। इसके करने से आपके दिन में आने वाली दिक्कतें निश्चित रूप से दूर होंगी और अच्छी सफलता आप आज दिन में प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन आने वाले समय में मैं आप सभी को बता दूं कि प्रतिदिन हम उस दिन के देवता के बारे में, प्रतिदिन का एक देवता होता है, अगर हम उस देवता की आराधना करके चलते हैं तो उस दिन आने वाली किसी प्रकार की दिक्कत हमें प्रभावित नहीं कर पाती, चाहे वो किसी भी राशि का जातक हो। तो आने वाले समय में हम निश्चित रूप से उस देवता को लेकर के उपाय करके आगे चलेंगे। चलिए, तो आचार्य जी ने आज का जो विशेष उपाय आपको बताया, अगर आप इसे अपनाते हैं तो अपने दिन को शुभ बना सकते हैं और अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आने वाले समय में हर दिन के अनुसार किस देवता की आराधना करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए और कैसे आप फल की प्राप्ति कर सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा जरूर करेंगे। आचार्य जी, आज हमने श्री रामचरित मानस और हस्तरेखा के बीच के संबंधों को समझते हुए बेहतर ज्ञान आपने प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका आने वाला हर दिन शुभ हो, बेहतर हो, मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ हमें दे आज्ञा। जय श्री राम। आचार्य राज मिश्रा जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है मानस ज्योतिष संस्थान, A250 शिवालिक मालवीय नगर, नई दिल्ली 110017। फोन नंबर्स हैं 0888247 3473।